आज आपको ये बताने वाला हूँ आधार सेंटर कैसे खोले, आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं, आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आधार सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आपको आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आधार सेंटर के ये आपको एग्जाम दिलाना होता है। एग्जाम कैसा होता है, क्या है इसका प्रोसेस, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आधार एग्जाम पास करने के लिए मैं आपको लिंक वीडियो के दे दूंगा, वहाँ पर आपको जाकर आधार सेंटर का जो एग्जाम है फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है उसका लिंक वीडियो के दे दूंगा, वहाँ पर आप इस वीडियो का देख सकते हैं। उसमें आपको एस्टीमेट फाइल होता है, जो आधार कार्ड का एस्टीमेट फाइल डाउनलोड करना है, उसके बाद जाकर वहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो फोटो है, सभी डॉक्यूमेंट, आपको जो एड्रेस वड्रेस है, सब चीज नाम, वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उसमें सिर्फ जाकर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे तो आपको वापस से सेंटर का ऑप्शन आएगा। जब पेमेंट करने के बाद आपको सेंटर का ऑप्शन आएगा, सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, डेट टाइम सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको वापस क्या सबमिट करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद तुरंत आपको वापस जिस डेट में आपको एग्जाम होना है उस डेट में जाकर आपको एग्जाम दिलाना है। और वहाँ पर सबको एग्जाम दिलाने से पहले सबसे पहले आपको देख लेना है आधार के बारे में, पैन कार्ड के बारे में, बैंकिंग के बारे में और कुछ जो जनरल नॉलेज है उसमें आपको देख लेना है, ठीक। उसका जो पीडीएफ है मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वहाँ पर कैसे आपको पढ़ना है ये आपको बस क्वेश्चन रहता है। 300 से 400 क्वेश्चन है जिसमें से 110 क्वेश्चन होता है, ठीक है दोस्तों। उसमें से आपको सबसे पहले 55 नंबर से ज़्यादा लाता है तब आपको आधार सुपरवाइजर मिलता है। अगर 55 से आता है तो आपको ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलता है। ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलता है तो आप यहाँ पर सुपरवाइजर आईडी मतलब आधार सेंटर नहीं खोल सकते, मतलब किसी की तरह हमारा हम जाकर उसमें ऑपरेटर बन सकते हैं, मतलब किसी के सेंटर में, ठीक है, काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिलता है तो खुद का सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका जो सामान है, डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले आपको आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लगता है, पुलिस सुपरवाइजर लगता है, 10वीं वाली का मार्कशीट या 12वीं का जो भी मार्कशीट या कॉलेज का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंकिंग मतलब बैंक खाता आपका, उसके बाद आपका ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले आपका जो सामान है, जैसे लैपटॉप है, आपके डेस्कटॉप है, आपके स्मार्टफोन होना चाहिए, मार्को डिवाइस होना चाहिए, एक आई स्क्रीन होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका एक कलर प्रिंटर होना चाहिए आपके पास, वेब कैमरा होना चाहिए आपके पास, पहले से 6 महीने पुराना कियोस्क बैंकिंग होना चाहिए, तब जाकर आप सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करना है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मतलब जो सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप जाकर आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं तो सबसे पहले आपको सीएससी आईडी ले लें। सीएससी आईडी कैसे मिलता है उसका भी मैं प्रोसेस बताया हूँ, वहाँ पास आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सीएससी आईडी है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पास क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको जानकारी ले लेना है, वहाँ पास जाकर एक फॉर्मेट करके आपको फाइल बनाकर आपको जमा कर देना है। 10 से 12 दिन के अंदर आपका आईडी अपलोड हो जाता है, जिसमें आपका आईडी अपलोड होने के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है ई कैम करके, या तो आधार सेंटर खुद का मतलब ई कैम है, जिसमें आप मोबाइल नंबर और आप यहाँ पर नाम सुधार कर सकते हैं, इसमें बच्चे का आधार कार्ड बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो आधार सेंटर में सभी काम कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट सब चीज, मतलब 2 प्रकार का आपके यूसीएन मिलता है जिसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उससे कॉन्टेक्ट करना है, और जितनी जल्दी आपको फॉर्म फाइल बनाकर आप जमा करते हैं तब आप जल्दी से जल्दी आपका आईडी पासवर्ड मिलता है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, और किसी प्रकार की जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट